अभी तक आपने देख लिया क्या क्या दिखाया, क्या क्या है यहाँ पर। बस वैसे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जानवर जो कि सिर्फ लेटे हुए थे, तो इतना मजा भी नहीं आया। बस एक चीज मजा आया जो ओस्टिस थे ना, वो देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि मैं हाल ही में गया था लखनऊ, और लखनऊ में मैं कुछ कुछ जगह में फेमस जगह में गया था, जिसमें से एक है इमामबाड़ा जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो वहां पर तो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि सडनली वहां जाना पाना, एंड थोड़ा बहुत मैंने अभी इकट्ठा किया है कुछ उसके बारे में इंटरेस्टिंग नॉलेज वगैरह जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी वो देख लेते हैं कि हम वहां जाके क्या क्या किया, एंड एंड में बताऊंगा आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ जिसको मैंने कन्फर्म करके ही आपको बताएंगा। ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, जितना पता है उतना ही बताएंगे। जो कि जैसे बाहर निकलोगे ना तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ फास्ट फूड वगैरह कुछ बच्चे लोगों को खिलाना वगैरह, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर देखे बच्चे लोग ही आते हैं। और ये है इसका एंट्री गेट, पूरा शेर का बना कर रखा है गेट भी, कितना मस्त लग रहा है ना, और नाम पढ़ लो वहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं, हम अपना स्कूटी लेते हैं पार्किंग एरिया से, और पार्किंग का भी हमें पड़ा 25 रुपीस, स्कूटी का पार्किंग का 25 रुपीस। इतना प्यारा दिख रहा है, मेरे को पार्किंग का खौफ आ रहा है। अरे थोड़ा स्लो चलाओ भाई, क्रश भी हो चाहिए वहां पर, पर बहुत मस्त लग रही है ना। ठीक है, आराम से आराम से भाई, काफी ज्यादा लोग हैं। पार्किंग तो हम पीछे भी कर सकते थे। हाँ, क्या चीज? अरे इतने सारे स्कूटी रखे हुए थे, इधर तो नहीं लगता है पार्किंग एरिया है। तो ये ओल्ड वाला क्या, ये पुरानी बिल्डिंग क्या चीज का है? वही है दरवाजा है, दरवाजा ऐसा होता है तो मेरा। वाह, घूमने के लिए सही में बहुत मस्त जगह है, और रिलैक्स करने के लिए भी। अरे पार्किंग हम कहाँ जा कर रहे हैं, मेन गेट जा रहे हैं, मेन गेट तो पीछे है मैडम, काफी दूर नहीं पार्क कर रहे हैं। ये सब गाड़ी बोले और स्कूटी उधर ही था गेट के पास। यू टर्न, अरे यू टर्न ही उधर, में इस गेट के पास ही है। हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है इमामबाड़ा, और फर्स्ट टाइम है। और इसका जो बिल्डिंग का एंट्री गेट है ना भाई, क्या ही ज्यादा खूबसूरत है, और देखने में एकदम लगता है जैसे कि लकड़ियां होते हैं ना उसकी जैसा, कार्टून जैसा फील हो रहा है। बट ना भाई, सच में बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है देख कर। अब इसका एंट्री गेट ऐसा है, तो अंदर जाके कैसा होगा तो अंदर जाने का पता चलेगा। वहाँ पर एक पुराना बिल्डिंग है जो कि गेट कह रहे हैं, अब मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता। और यहाँ पे ये देखो क्या मस्त डिजाइन के ना, मछली का शेप में बना कर रखे हुए हैं। तो खैर अभी हमें जाना है इसके अंदर, लेट्स गो, चलते हैं इमामबाड़ा। और एक चीज नोटिस किया अभी मैंने, इधर में और इधर में दोनों के डिजाइन ऑलमोस्ट पूरे सेम है, ऑलमोस्ट नहीं भाई पूरे सेम है। खैर चलो, ये तो पूरा पार्क जैसा ही दिख रहा है। हाँ, रखना पड़ता है क्या? कुछ पता नहीं इसके बारे में। अरे मुझे पता है, वो तो ठीक दिख रहा है। पर किधर से जाएंगे हम लोग? अरे चलो मैं बता रही हूँ, वहाँ पे उधर देखो कितना प्यारा लग रहा है वो। ये जिंदगी में काम में पहली बार कर रहा हूँ। ये है आपका टिकट काउंटर, हम जब आए थे वहाँ से, तो वो वाला बस ऐसा नॉर्मल एंट्री गेट, हम सोचे पैसे वगैरह नहीं लगेंगे, बट यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पर भी आपको टिकट लगेगा। और लाइन देखो कितना लंबा लगा हुआ है, और ये भी एकदम सेम बिल्डिंग जैसा है, इसका जो स्ट्रक्चर है डिजाइन वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, बस बीच में जो बैठने वाला था वो नहीं दिख रहा इसमें, बाकी ऑलमोस्ट सारे सेम है। और गाइड अलग से, गाइड लेने से अलग से।
क्या चाहिए? हम नहीं जाएंगे, ऐसे जाके आ जाएंगे ना। हाँ ये उल्टा साइड नहीं हो गया? नहीं, क्योंकि धूप नहीं आ रहा ना, रोशनी कम आ रहा है। अभी तो वहाँ पर देखा था कैमरा लेना मना है, ये कैमरा लगे पर ये इसका सेटर ना उल्टा साइड आ रहा, तो इतना मजा नहीं आ रहा। थोड़ी सी कमी जो, अरे जो जो रियलिटी वो बता रही है। अभी जैसे इस तरफ होता ना तो देखो कितना प्यारा दिख रहा है, तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बट सही है, भूल भुलैया किस तरफ? ऊपर है ना, पर 50 का टिकट गाइड अलग बहुत लूटते हैं, हर पैर अलग सीधा तो जाएगा। तुमको जाना है तो चलो। नहीं नहीं नहीं, समय समय इस देरी कीमती। जैक्सन जॉन्स ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ खरीदने के लिए आदमी लाइन पर लगे हुए हैं। इमाम बाड़ा के अंदर जैसे ही हम जा रहे थे तो वहाँ पर पहले उन्होंने मना करते कि आप अंदर जाके वीडियो वगैरह नहीं बना सकते हो। तो तजिया वगैरह देखा मैंने, तो सोचा कि चलो आपको बना कर दिखा दें। एंड मैं एक पल के लिए सोचा था कि चलो वीडियो नहीं अपलोड करेंगे, रिकॉर्ड कर लिया था मैंने सोचा था कि नहीं डालूं, बट मैंने काफ़ी ऐसे वीडियोज देखे तो उसमें सब ओपनली डाल रहे, तो मैं भी सोचा कि थोड़ा बहुत मैं भी डाल देता हूँ। तो अभी मैंने कुछ रिकॉर्ड किया जहाँ पर वॉइस कुछ नहीं है, बस मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया, वो आप देखते हैं एंड उसके बाद आपको एंड में बताएंगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वैसे मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए मैंने बस छोटे छोटे से क्लिप करके इकट्ठा कर लिया एंड सोचा कि अगर ऐसे ही बिना जाने में कुछ जानकारी ऐसे ही बता दे तो मजा नहीं आएगा, और ऊपर से गलत इन्फॉर्मेशन देना भी सही नहीं है। तो इसके लिए मैंने वहां पर ज्यादा कुछ कहा नहीं, कहा बस ऐसे एंजॉय किया और उसके बाद वापस आ गया। एंड मैंने कुछ नोट्स बना लिया क्योंकि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना, एंड साथ ही साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप में ना, तो मोबाइल में टाइप करके रखना हो तो वही बता दूं। तो इमाम बाड़ा का एक्चुअली नाम है पूरा बड़ा इमाम बाड़ा, और इसे अशाफी इमाम बाड़ा भी कहते हैं, और इसे बनाया गया 1784 में बाय असफ उद दौला। कहीं ना कहीं आपने ये भी सुना होगा कि दीवारों को भी कान होते हैं ना, और ये जो दीवारों के भी कान होने वाला जो वर्ड है ना वो इसी इमाम बाड़ा से है, क्योंकि उसके जो वाल है ना वो एक्चुअली में बिल्कुल भी सीमेंट से नहीं बने हुए, उसमें कुछ दाल उसके बाद उड़द वगैरह मिक्स करके बनाकर उसे वाल को बनाया, जो कि सोचे तो उस समय का बनाया हुआ चीज आज भी लास्टिंग, और आजकल का सीमेंट लगाओ या कुछ भी लगाओ साल दो साल में तो खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ तो उसमें क्या था, वाल के अंदर में ना खोखले रहते हैं जिसकी वजह से कुछ बोलता ना एक कोने से तो दूसरे कोने तक भी सुनाई देता है, तो वहीं से स्टार्ट हुआ था कि दीवारों को भी कान होता है। और उस समय तो टेलीफोन वगैरह होता नहीं था, कुछ वॉकी टॉकी होता नहीं था, तो उसी के वाल के थ्रू से एक मैसेज दूसरे मतलब सिपाही को ट्रांसफर करते थे, तो उसी से शुरुआत होता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मुझे भी वहां जाके पता चला। इस इमाम बाड़ा के अंदर में आपको एक भूल भुलैया देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही भयानक है, और कहता है यह है कि उसमें अगर कोई जाता है ना तो गाइड लेके ही जाना पड़ता है, अगर ऐसे अकेले जाओगे ना तो वहां पर गुम हो जाओगे, और उसमें निकलने का एक जरिया ये होता है कि आप जितने ऊपर जाओगे उतने आपको रास्ता आसान मिलेगा, मतलब निकलने के चांस, और नीचे गए
तो भूल भुलैया गुम हो जाओगे, उसके बाद तो पता नहीं कब निकलोगे। आपको ज़्यादा कुछ बताऊँ उससे पहले यहाँ पर करंट चला गया, गांव का करंट है 24 आवर्स, इसीलिए चले गए। हाँ तो अभी मैंने और एक चीज़ जानकारी लिखी कि इमाम बड़ा में जो जिस शख्स ने बनाया था उनका और उनके वाइफ का भी जो शरीर है जहाँ दफनाया जाता है हमारे में, उनका दफनाया वाला जगह भी इमाम बाड़ा में है। ये तो मुझे पता ही नहीं था और उस जगह में मैं जाकर भी आया, बट मुझे मैंने नोटिस नहीं किया। एंड साथ ही साथ वहाँ पर डुप्लीकेट क्राउन भी है जो कि वो भी मैं देख नहीं पाया। पता नहीं मुझे इतना एक्चुअली जानकारी नहीं था, मैं सडनली गया इसलिए मुझे नहीं पता चला। तो कुछ कुछ और है जानकारी इंटरेस्टिंग जो कि मैं काफ़ी समझने की कोशिश कर रहा, उसको याद करने की कोशिश कर रहा, बट नहीं हो रहा। बट अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है तो आप जानते हो कहाँ से देख सकते हो। तो होप आपको आपको मेरा ये थोड़ा सा जानकारी अच्छा लगा होगा, एंड कैसा लगा वो जरूर बताएगा। एंड आज का इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉगर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।